दिया तो ये लाइब्रेरी में अंदर जा रहे हैं, ये लाइब्रेरी है, चेस्टर बिजनेस स्कूल। आपका एक और वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर कैंपस के बारे में, और थोड़ी चेस्टर सिटी में घुमा दूँ आप लोगों को। अभी मैं यहाँ पे कैनाल पे हूँ, कैनाल ब्रिज पे, देखो चेस्टर सिटी है। ये सामने बस स्टेशन है, आप कहीं से भी आते हो तो यहीं पे उतरते हो। ये आइसलैंड है यहाँ पे। अभी हम जाने वाले थे टेस्को, तो टेस्को के बाद हम जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर के कैंपस में। देन यहाँ पे एक पार्क भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर आ रहे हैं तो ये वीडियो देखते रहना। और ये है मितेश, हाय बोल भाई। ये यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में है, तो यही दिखाएगा कैंपस कहाँ पे। मैं गया हूँ एक बार तो, बट ये बोल रहा है मेन कैंपस लेके जाएगा कोई सा। तो वहाँ पे ब्रिज भी है, मैं दिखाता हूँ, वीडियो देखते रहिए। अभी हम टेस्को से निकल चुके हैं और मितेश जी ने 40 पाउंड्स की ग्रोसरी ली है। 40 पाउंड्स की मतलब 4000 खाने पीने का बस सामान, क्योंकि रिसेशन आ चुका है ना, तो सब कुछ महंगा हो चुका है। तो देखो ये वीडियो मैं ऐसी वजह से बना रहा हूँ जिससे इसको याद रहे 40 पाउंड की इसने ग्रोसरी ली थी एक बार, क्योंकि मतलब इसने दो हफ्ते की ग्रोसरी ली है एक बार में, तो 40 पाउंड्स की हो जाती है, 40 या 45 पाउंड्स की। तो अभी मैं रूम पे वापस जा रहा हूँ, उसके बाद अभी उस साइड पार्क जाऊँगा और यूनिवर्सिटी कैंपस, और वो जो ब्रिज भी है वो भी दिखा दूँगा आपको। तो मैं अभी ये चर्च के सामने आ चुका हूँ, ये यहाँ का चर्च है सेंट जॉर्ज, देख लो। और ये चर्च के सामने ही एक पार्क है पूरा इनका। कौन सा गार्डन है भाई ये? क्रॉस ओवर पार्क यूनियन स्ट्रीट। क्रॉस ओवर पार्क यूनियन स्ट्रीट है, ठीक है। अगर आप आते हो चेस्टर तो देख लेना, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में आते हो तो ये आपको पार्क भी दिख जाएगा। यहाँ का पार्क बहुत सुंदर है, ये देखो, ये इसका मेन एंट्रेंस है पूरा। गैलरी तो इंडिया में होती है। इंडिया में मैंने वैसे पार्क देखे हैं, बट जो इतने अच्छे नहीं देखे, मतलब इतनी सुंदरता नहीं देखी। जो ब्यूटीफुल एनिमल्स होते हैं कभी भी मिलने आ जाते हैं तो वो ऐसे नहीं आते, बट यहाँ पे कोई परेशान नहीं करता ना तो आ जाते हैं किसी के पास भी। देखो ये ऐसे ही घूम रहे हैं। इंडिया में इतने पास आपको कभी देखेंगे ही नहीं, स्क्वायरल्स, बर्ड्स सारे। अभी धूप चली गई है, तो विंड चल रही है अभी, तो ठंड लग रही है मुझे, तो मैं बिना जैकेट के आ गया यहाँ पे। ये इस पार्क में एक स्टैचू है रिचर्ड का, सेकंड मार्किस ऑफ वेस्टमिंस्टर। यहाँ पे पार्क्स वगैरह अच्छे हैं, बट चेस्टर में एक ही पार्क है वैसे, मैंने देखा अभी। ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। ये इस पार्क का व्यू है, और ये अच्छा व्यू है वैसे। लिवरपूल में मैंने कभी ऐसा पार्क नहीं देखा जो ऐसा व्यू देता हो। ये सामने कैनाल है पूरा, इसमें ब्रिज भी है, अभी मैं लेके जाऊँगा पूरा ब्रिज है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर।
चार लोग बैठे हैं बेटा, बंद कर दे। तो क्या हो गया? चलो ये ऊपर रास्ता जा रहा है ना, वो बैप्टिज्म चर्च का है। तो यहाँ पर भूत भगाए जाते थे इस चर्च में। ये देखो ऊपर ये रास्ता जा रहा है, मैं अभी दिखा नहीं सकता, उसके बाद दिखाऊंगा अगर मैं गया तो उधर उस साइड, क्योंकि तो मुझे थोड़ा भूतों से डर लगता है। ये मेन एंट्रेंस है आपका? नहीं है, ये नहीं है। नहीं है भाई, तो कौन सा है फिर? ये बंद है, कार्ड नहीं है मेरे पास अभी। तो जब मेन एंट्रेंस आ गया, देख सकते हो आप लोग, मैं दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर, क्वींस पार्क कैंपस, ये इसका मेन एंट्रेंस है, चर्चिल हाउस, चेस्टर बिजनेस स्कूल। जा सकते हैं अंदर, देखते हैं कितना जाने देते। आई थिंक लाइब्रेरी के अलावा कुछ अलाउड नहीं है।
it is closed. It's closed, man. थोड़ी लाइब्रेरी की वीडियो शूट कर ही लेता हूँ, देख लो। हाँ, तो अभी सिक्योरिटी गार्ड बोला था कि तुम्हारे लाइब्रेरी में जाना अलाउ नहीं है, बट मितेश ने अभी अपनी आईडी कार्ड दिखा दिया तो ये लाइब्रेरी में अंदर जा रहे हैं। ये लाइब्रेरी है, एस्टर बिजनेस स्कूल। लगता है बच्चे भी पढ़ रहे हैं, शांति बहुत है। अच्छी तो है ये, यहाँ की लाइब्रेरी है, देख लो। ये यहाँ के प्राइवेट रूम्स हैं मीटिंग के लिए, सारे प्राइवेट रूम्स हैं। ये बुक कर सकते हैं वैसे लाइब्रेरी की साइड पे जाके। ये प्रिंटर है यहाँ पे। तो अभी हम निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से। तो अभी रुको, अभी मैं पार्ट टाइम जॉब की बात करने वाला हूँ, अगर आप के अगर आपको मिलती है कि नहीं चेस्टर में, कि लिवरपूल ही जाना पड़ेगा। तो मुझे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, थोड़े बहुत लोगों को लिवरपूल आना पड़ता है। चेस्टर में अप्लाई करोगे कुछ लोगों को मिलती है, बट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है तो आपको लिवरपूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। चेस्टर में आप अगर आपको रहना है, एकोमोडेशन वगैरह का देखना है तो देख सकते हो, बट लिवरपूल में अगर आपकी जॉब है तो आप चेस्टर में कैसे रह सकते हो। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर आते हो तो लिवरपूल में देख लेना एक बार रहने का, क्योंकि बाद में बंदों को बहुत प्रॉब्लम आती है रहने का और खाने पीने का, देखने के लिए कि चेस्टर में ही रहें कि लिवरपूल में ही रहें। तो देख लेना, मैं तो पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि लिवरपूल ही रहो। चेस्टर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपकी कभी कभी क्लासेस होंगी तो आ जाना, बट लिवरपूल में जॉब्स के लिए अगर आपको आना है तो आ सकते हो। लिवरपूल में सस्ता भी है थोड़ा, चेस्टर में थोड़ा आपको कुछ लिमिटेड एकोमोडेशन मिलेंगे रहने के लिए, बट इधर लिवरपूल में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ग्रॉसरीज के लिए भी अगर आपको लिवरपूल आना है तो ओल्डली लिडल वगैरह आपको सिटी सेंटर में मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको एक टेस्को ही मिलेगा सिर्फ ओनली, और इंडियन स्टोर भी है बट आपको टेस्को ही मिलेगा। तो टेस्को थोड़ा महंगा रहता है, और आपको पता नहीं होगा तो बता दूँ ओल्डी और लिडल बहुत सस्ते रहते हैं। तो आपको ओल्डी और लिडल यहाँ पे बहुत दूर मिलेंगे, अगर आपको जाना है तो आपके पास कार है तो ही सही पड़ेगा। तो ग्रॉसरी के लिए भी मैं बता दिया आपको, तो मैंने लास्ट वीडियो भी इसी के ऊपर डाली थी कि ग्रॉसरी शॉपिंग अगर इंडियन प्रोडक्ट थी आपकी तो आप लिवरपूल से कर सकते हो। फ्रेश मार्ट है एक, तो आपको चेस्टर में नहीं मिलेगा। चेस्टर में एक इंडियन स्टोर है बहुत महंगा है, वो मतलब बहुत ही छोटा स्टोर है तो वो बहुत महंगा देगा आपको, तो इतना एक्सपेंसिव आपको सही नहीं पड़ेगा। तो मैं तो पहले ही बोलूँगा आपको लिवरपूल में रहो। चेस्टर आना है, कोई यूनिवर्सिटी आपकी 2 या 3 दिन की रहेगी, वैसे भी 10 और 12 आवर्स की टीचिंग रहती है तो वो आप अटेंड कर सकते हो, ट्रेन या बस से आ सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का बहुत अच्छा है, यूके में पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अप्रिशिएट करूँगा कि यूके का अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। £2 में अगर आप लिवरपूल से चेस्टर आ रहे हो तो £2 ही लगते हैं बस से। अगर मैं शॉपिंग की भी बात कर लूँ तो मेरे को लगता है लिवरपूल सही रहेगा, क्योंकि कलेक्शन आपको इतना नहीं दिखेगा। और ये चेस्टर में रहता है तो मैं थोड़ी चेस्टर की मतलब मैं बोल रहा हूँ कि चेस्टर में ना रहो तो इसको बुरा लग रहा है थोड़ा, बट यही सत्य है पूरा कि आपको कलेक्शन इतना नहीं मिलेगा। अगर आपको शॉपिंग करनी है, H&M, ज़ारा, ये सारे ब्रांड यहाँ हैं कि नहीं है, सारे ब्रांड्स तो हैं बट कलेक्शन मेरे को तो नहीं लगता मिलेगा आपको। मैं भी देखने गया था प्राइमो और ज़ारा में, तो इतना कलेक्शन नहीं है इतना अच्छा, बट लिवरपूल में अच्छा है मुझे लगता है। तो यहाँ पे सिटीज़ डेवलप तो हैं, बट मैं यही सोचता हूँ कि क्यों आपको सफ़र करना पड़े, तो आपको लिवरपूल ही आना चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में हो, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में भी हो। तो ये वीडियो वैसे मेरे को लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ,
तो ये वीडियो मुझे लगता है यहीं एंड करनी पड़ेगी। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, कुछ भी हो तो मुझे बता देना, मैं पूरा आंसर करता हूँ हर एक, आप कमेंट देख सकते हो। तो मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, बाय।